फ्रेंड्स, तन्वी क्रिएटिव किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने शेयर करने वाली हूँ बहुत ही कम तेल यूज करके तीन टाइप के व्रत के नाश्ते, और वो भी माइक्रोवेव ओवन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे साबूदाने की खिचड़ी, जिसके लिए एक माइक्रोवेव से बोल में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, जिसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून जिंजर और चिली पेस्ट, 3 से 4 करी लीव्स, 8 से 10 किशमिश। मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लेते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 बड़े उबले हुए आलू, जिसको मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं, वो डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। माइक्रोवेव हाई पावर पे हम 2 मिनट के लिए रख लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 कप भिगोया हुआ साबूदाना, ये मैंने 2 घंटे पहले भिगोए थे, वो डाल देंगे। फोर टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून नींबू का रस, मिक्स कर लेंगे। माइक्रोवेव हाई पावर पे 2 मिनट के लिए रख लेंगे। 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि हमारे साबूदाने पक चुके हैं कि नहीं। साबूदाने बिल्कुल पक चुके हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्पॉन्जी हो गए हैं और सॉफ्ट हो गए हैं, ट्रांसपेरेंट भी दिखते हैं। तो साबूदाने हमारे पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप सॉल्टेड मूंगफली का चूरा। मैंने मार्केट में से सॉल्टेड मूंगफली ली थी और छिलका निकाल के मिक्सर में ऐसी दरदरी पीस ली है, तो वो डाल देंगे। 1/4 टीस्पून चीनी डालेंगे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहे तो चीनी ना डालें। मिक्स कर लेंगे। एक मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लेते हैं, चला लेंगे और हमारी ये साबूदाने की खिचड़ी तैयार है। कुछ ही मिनटों में और बहुत ही कम तेल में ये साबूदाने की खिचड़ी बन गई है। तो चलिए सर्व कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप यंगस्टर हैं या तो फिर हाउसवाइफ हैं और मेरी तरह बिना किसी इन्वेस्टमेंट के बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप मीशो ऐप डाउनलोड कीजिए। मीशो ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अब बनाएंगे व्रत के दही वड़े, जिसके लिए एक मिक्सर जार में मैं लूंगी 3/4 कप सामक के चावल, 1/4 कप साबूदाना, और इसको दरदरा पीस लेंगे। ये मैंने दरदरा पीस लिया है, आप देख सकते हैं ऐसा पीसना है। और अब इसमें डालेंगे 3 से 4 बड़े चम्मच दही, पहले 3 चम्मच डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। एक चम्मच जितना और डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून जितना पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। बहुत पतली कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है हमें, सिर्फ इतनी कंसिस्टेंसी ही रखनी है। अब इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून जिंजर चिली पेस्ट, 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, मिक्स कर लेंगे।
डालेंगे 1/4 टीस्पून घी नमक, मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप खाने वाला मीठा सोडा भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव से इडली का स्टैंड लिया है जिसको ऑयल से ग्रीस कर लिया है और अब इसमें डालेंगे ये हमारा बैटर। टैप कर लेंगे और माइक्रोवेव हाई पावर पे 2 मिनट के लिए रख लेंगे। चेक कर लेंगे हमारे वड़े पक गए हैं कि नहीं। टूथपिक डाल देंगे, टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है और वड़े पक चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना स्पॉन्जी वड़े बने हैं और अब हम सर्व करेंगे। इसके ऊपर डालेंगे फेटा हुआ दही जिसमें मैंने नमक और जीरा पाउडर डाला है। इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ी सी मीठी चटनी, मसाला सी, अनार के दाने, हरा धनिया से गार्निश करेंगे। तो तैयार है बहुत ही कम तेल में बने हुए व्रत के दही वड़े। अब बनाएंगे लौकी के बॉल्स जिसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 कप राजगिरी का आटा, 3/4 कप सामान चावल को मैंने मिक्सर में दरदरा पीस लिया है वो लेंगे, 1/2 कप लौकी, 1/4 कप उबले हुए आलू जिसको मैंने मैश कर लिया है, 1 टेबलस्पून दही, नमक स्वाद के अनुसार, 1/4 टीस्पून साबुत जीरा, 1 टीस्पून जिंजर चिली पेस्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा खाने का मीठा सोडा, 1 छोटी चम्मच तेल, मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने माइक्रोवेव सेफ डिश ली है और उसको ऑयल से ग्रीस कर ली है। अब हमें ये डो है उसमें से छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं करीबन नींबू की साइज का। हमारा बॉल्स रेडी है और माइक्रोवेव में हम 2 मिनट के लिए रख देंगे। ये हमारे लौकी के बॉल्स बनकर तैयार है। टूथपिक डाल के चेक करते हैं अंदर से पक चुके हैं कि नहीं। टूथपिक बिल्कुल क्लीन आई है आप देख सकते हैं। अब इसका तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक माइक्रोवेव सेफ बोल में मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून जीरा, 5 से 6 करी लीव्स, 1 टीस्पून तिल, 2 चम्मच मूंगफली का चूरा, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, मिक्स कर लेंगे। ये बॉल्स हम इसमें डाल देंगे। लौकी के बॉल्स बनकर तैयार है। ऊपर से नारियल का चूरा डालकर गार्निश करेंगे और सर्व कर लेंगे।
मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं कुछ ही दिनों में ऐसी ही कुछ नई और क्रिएटिव रेसिपी लेके आपके सामने आऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।